तो आज हम बनाएंगे सैनिटाइजर, वो भी डेटॉल से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कंट्री आज से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग इस COVID-19 से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर्स का बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये स्टॉक आउट भी होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग ये हैंड सैनिटाइजर घर पर ही बनाएं, वो भी घर की चीजों से। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, तो चलिए अब बनाना इसे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम अपना सैनिटाइजर को स्टोर करेंगे। तो ये मैंने एक बॉटल लिया है और इसे हम अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। आप यहाँ पर पंप वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें स्टोर ही करना है, पर वो साफ होना चाहिए। तो उसको साफ करने के लिए आप अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल का यूज किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैंने एलोवेरा जेल डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इसमें डेटॉल डालेंगे। अगर हमने यहाँ पे 3 स्पून एलोवेरा जेल लिया है तो हम यहाँ पे 2 स्पून डेटॉल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने डेटॉल डाल लिया है। अब यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, या अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। हमें इसकी कुछ बूंदें ही डालनी है और इसमें अच्छी खुशबू आने के लिए हम यहाँ पर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल की भी अच्छी खुशबू होती है, तो आप नहीं डालेंगे तो भी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। दो से तीन बूंदें डालनी है। बस अब हमारा हैंड सैनिटाइजर बस बनने ही वाला है। अब हम ये सारी चीजें डालने के बाद इसे अच्छे से बंद करके शेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा होममेड सैनिटाइजर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा होममेड सैनिटाइजर, देखने में कितना अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, इसे हम ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं, हम इसे ट्रैवल पर जाने से पहले ही बना कर कैरी कर सकते हैं, और जब हमारे पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं होता है ट्रैवलिंग के वक्त, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो होममेड सैनिटाइजर घर पे बनाने के लिए, वो भी घर की चीज़ों से। और मास्क बनाने का वीडियो भी मैंने पहले ही अपलोड करा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 5 तरीके से मास्क बनाया है, वो भी क्लोथ बैग से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी, और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहूँगी कि इस 3 हफ्ते के लॉकडाउन के रूल्स को आप फॉलो करिएगा, घर पर ही रहिएगा, एंड ऑल्सो प्रे फॉर द होल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और फ्रेंड्स, एक और बात, मैं छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे एट होम, टेक केयर।